समय समय पर भाजपा नेताओं के तो बिगड़े बोल सामने आते ही हैं, लेकिन अब मंत्री भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर प्रदेश गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मंत्री मिश्रा ने कांग्रेस के स्थापना दिवस को विसर्जन दिवस बताया। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अभी जिस हालात में है उससे तो विसर्जन दिवस लग रहा है। मंत्री मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी को रणछोड़ दास है, किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ नानी के घर इटली चले गए। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस की स्थापना विदेशी ने की थी, तो हो सकता है तर्पण के लिए गए हों। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मित्र, मैं पश्चिम बंगाल कई बार हो आया, अब वो कुछ भी कर ले, जनता जब मन बना लेती है तो फिर कोई नहीं बचता डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में। और जनता मन बना चुकी है कि ममता बनर्जी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ना है, क्योंकि ममता जी का वहाँ राज नहीं है, वहाँ माफियाओं का राज है। कोल माफिया, भू माफिया, खनिज माफिया, ये सब हावी है, इसलिए वहाँ अब कोई गुंजाइश बची नहीं। किसी भी मामले में कोई भी धोखाधड़ी मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑनलाइन वाला विषय साइबर शाखा को दे दिया है गृह विभाग में। जो भी इस तरह की गलती करेगा वो दंड का भागीदार होगा। अपनी मानसिकता आपके माध्यम से सरकार की मानसिकता अपराधियों तक पहुंच जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश में अब किसी भी तरह के गलत काम करने वाले की खैर नहीं है। काम किसी भी तरह का गलत होगा तो कार्रवाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।